हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूरेटर्स। सो यूरेटर्स किसके ऑर्गन है? यूरिनरी सिस्टम के। सो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है? अ पेयर ऑफ किडनीज। सो किडनी पेयर में प्रेजेंट है, इससे यूरेटर भी पेयर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हर एक किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है। सो राइट किडनी से राइट यूरेटर निकलता है, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर। सो किडनीज का क्या फंक्शन है? किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, एंड ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन किडनी से प्रोड्यूस होता है। सो यूरेटर क्या करते हैं? इस यूरिन को रिसीव करते हैं, एंड हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, इसलिए यूरेटर्स भी बायलेटरली अरेंज होते हैं। सो यूरेटर क्या करते हैं? इन किडनी को इन यूरिन को रिसीव करते हैं, एंड यूरेटर किडनी से यूरिन को रिसीव करके कहाँ पर छोड़ता है? यूरिनरी ब्लैडर में। सो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो टेम्पररी स्टोर होता है, एंड जब अर्ज होती है यूरिनेशन की, सो यूरिनरी ब्लैडर से देन यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो हम पढ़ रहे हैं ये दो ट्यूब्स के बारे में, यूरेटर्स। सो यूरेटर्स क्या है? यूरेटर्स आर टू ट्यूब्स। ये टू ट्यूब्स हैं, थिक ट्यूब्स हैं एंड मस्कुलर ट्यूब्स हैं। वन अटैच टू ईच किडनी। ईच किडनी से एक एक यूरेटर अटैच होता है, कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरेटर्स का क्या फंक्शन है? ये किडनी से यूरिन को रिसीव करता है, कहाँ पर एम्प्टी करता है? यूरिनरी ब्लैडर में। लेंथ इसकी 25 टू 30 सेंटीमीटर होती है, या फिर 10 टू 12 इंचेस। सो इसकी लेंथ 25 टू 30 सेंटीमीटर होती है इन एडल्ट ह्यूमन, एंड 10 टू 12 इंचेस। डायमीटर इसका कितना होता है? 3 mm। अब इसकी जो शेप है यूरेटर्स की, वो रफली एस शेप होती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ कर्व होता है। सो जहाँ पर हमने देखा कि जो यूरेटर्स है वो जहाँ पर किडनी से निकलते हैं, सो किडनी से जहाँ से यूरेटर निकलते हैं, किससे निकलते हैं? रीनल पेल्विस से। सो रीनल पेल्विस इज कंटिन्यूस विद यूरेटर्स, क्योंकि रीनल पेल्विस क्या करता है? ये स्ट्रक्चर किडनी में हाइलम में प्रेजेंट होता है। सो हाइलम एक प्लेस है जहाँ पर किडनी में कोई भी चीज़ एंटर या फिर लीव करती है। सो यहाँ पर ये फनल शेप्ड रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है। रीनल पेल्विस यूरिन को रिसीव करता है। सबसे पहले यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कलेक्टिंग डक्ट से। सो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन प्रोड्यूस होके देन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, एंड देन रीनल पेल्विस यूरिन को रिसीव करता है। एंड रीनल पेल्विस देन किसके साथ कंटिन्यूस में है? यूरेटर्स के साथ। सो जहाँ पर किडनी या फिर रीनल पेल्विस यूरेटर्स के साथ कंटिन्यूस में, वहां पर एक जंक्शन बनता है जिसको क्या बोलते हैं? यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। सो दोनों साइड ऐसे ही यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन बनता है, जहां पर रीनल पेल्विस कंटिन्यूस में है यूरेटर के साथ। सो यहाँ पर जो यूरेटर्स है वो ब्रॉड होता है नीचे की तरफ, देन यूरेटर नैरो होता जाता है, एंड देन ये एस शेप कर्व में या फिर ओब्लीक कर्व में यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है। सो जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर एंटर होते हैं, वहाँ पर भी एक जंक्शन बनता है। सो ये जंक्शन किसके बीच में? यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं? यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। अब हम इसकी स्पेसिफिकली लोकेशन देखेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। यूरेटर इज कंटिन्यूस विद फनल शेप रीनल पेल्विस। सो इस फनल शेप रीनल पेल्विस से यूरेटर कंटिन्यूस में होता है, देन पासिस डाउनवर्ड्स थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी, देन ये एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ पास होता है। सो जो हाफ पोर्शन है यूरेटर का, वो अपर जो पोर्शन है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है हाफ, एंड जो लोअर पोर्शन है वो पेल्विक कैविटी में होता है। सो एब्डोमिनल कैविटी में देन ये डाउनवर्ड पास होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम के बिहाइंड, यानी पेरिटोनियम के पीछे, इसलिए यूरेटर क्या है? एक रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पेरिटोनियम के बिहाइंड होता है। इन फ्रंट ऑफ स्वास मसल, देन जब ये पेल्विक कैविटी में एंटर होता है यूरेटर, तो ये किसके फ्रंट में एंटर होता है? स्वास मसल के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। स्वास मसल क्या है? स्वास मसल हमारी लोअर लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है, एंड स्वास मसल हमारे वॉकिंग में एंड हिप फ्लेक्शन में हेल्प करती है। सो इन फ्रंट ऑफ स्वास मसल इन टू द पेल्विक कैविटी एंड पासिस ओब्लीकली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर। देन जब ये ब्लैडर में एंटर होता है यूरेटर, ये कहाँ से एंटर होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी बैक साइड से एंटर होता है यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में। और जहाँ पर ये एंटर होता है वहाँ पर कौन सा जंक्शन बनता है? यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। एंड ये किस पोजिशन में एंटर होता है? ओब्लीक कर्व में। सो ये स्ट्रेट एंटर नहीं हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ओब्लीकली एंटर होता है, यानी हल्का सा टेढ़ा या फिर
एस शेप कर्व में एंटर होता है। इसका ओब्लीक पोजीशन में एंटर होने का रीजन ये है। सो यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल हो जाता है तब यूरिनरी ब्लैडर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यूरेटर्स में यहाँ पर ये जो जब यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर यूरेटर्स में एक वॉल्व है जिसको बोला है यूरेट्रोवेसिकल वॉल्व। ये यूरेट्रोवेसिकल वॉल्व क्लोज हो जाती हैं जब यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो जब ये वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं तो इन वॉल्व का क्या फंक्शन है कि ये यूरिन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। नाउ वॉल ऑफ यूरेटर, सो ये यूरेटर का एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें वॉल ऑफ यूरेटर दिखाया गया है कि यूरेटर कितनी वॉल ऑफ टिश्यू से बनी है या फिर कितनी लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है। सो यूरेटर की जो वॉल है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है, आउटर फाइब्रस टिश्यू, मिडल मस्कुलर लेयर एंड इनर म्यूकोजल लेयर। सो जो आउटर फाइब्रस टिश्यू है दिस इज कंटिन्यूस विद फाइब्रस कैप्सूल ऑफ किडनी। सो ये सबसे आउटर वाली ये वाली लेयर ये है फाइब्रस लेयर सबसे आउटर। सो ये वाली जो लेयर है ये जो किडनी का फाइब्रस कैप्सूल है उसके साथ कंटिन्यूस में होती है आउटर फाइब्रस लेयर। देन जो मिडिल मस्कुलर लेयर है इसमें दो आती है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सो ये जो इनर वाली है रेड वाली ये है इनर सर्कुलर एंड इससे जो ये आउटर वाली है ये है लॉन्गिट्यूडनल। सो मस्कुलर लेयर दो से बनी है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलर लेयर का यूरेटर में क्या काम है, मेन फंक्शन इसका क्या है, पेरिस्टेल्सिस परफॉर्म करना। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है, जो यूरेटर यूरिन को रिसीव करते हैं किडनी से वो यूरिन आगे कैसे पास होता है, यूरेटर में आगे वो यूरिन कैसे जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, पेरिस्टेल्सिस के थ्रू। पेरिस्टेल्सिस एक वेव लाइक मोशन होती है, इस तरह से वेव लाइक मोशन होती है, पहले कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो इस पेरिस्टेल्सिस वेव लाइक मोशन के थ्रू जो यूरिन है वो आगे की तरफ प्रोपेल होता है, यूरेटर में आगे की तरफ पुश होता है एंड देन वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिडल मस्कुलर लेयर कि मस्कुलर लेयर पेरिस्टेल्सिस परफॉर्म करती है जिसके कारण जो यूरिन है वो आगे की तरफ प्रोपेल होता है। देन इनर जो म्यूकोजा है, इनर म्यूकोजा जो ये लाइनिंग है ये जो ब्लू कलर की ये म्यूकोजा लेयर से बनी है। सो लाइनिंग जो है यूरेटर वॉल की वो म्यूकोजल लेयर से बनी है और इसमें भी ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम से बनी है। सो ट्रांजिशनल एपिथीलियम का क्या काम है, जब यूरिन रिसीव करता है यूरेटर किडनी से सो यूरिन का प्रेशर जो है लिटिल हाई होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोजल लेयर है यानी कि जो ल्यूमन है यूरेटर का वो ट्रांजिशनल एपिथीलियम से बना है, उसकी वजह से जो ल्यूमन है यूरेटर का वो स्ट्रेच हो सकता है। सो ट्रांजिशनल एपिथीलियम का क्या काम है कि ये जब प्रेशर इंक्रीज हो यूरिन का या वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ये वाली लेयर स्ट्रेच हो जाती है जिसके कारण यूरेटर जो है रप्चर नहीं होते, उनको कोई इंजरी नहीं होती हाई प्रेशर या हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन की वजह से। सो इनर जो म्यूकोजल लेयर है या इनर ल्यूमन है यूरेटर का उसका ये फंक्शन है कि अगर जो यूरिन का वॉल्यूम या प्रेशर हाई हो तो ये वाली लेयर स्ट्रेच हो जाती है जिसकी वजह से इंजरी से प्रिवेंट होता है, कोई भी जो ट्रॉमा है वो यूरेटर की वॉल को नहीं होता एंड ये जो इनर वाली लेयर है ये इनफोल्डिंग होती है। नाउ ब्लड सप्लाई या फिर आर्टेरियल सप्लाई यूरेटर्स को कैसे होती है, सो जो एब्डोमिनल यूरेटर है उसमें कैसी होती है, रीनल आर्टरी के थ्रू, टेस्टिकुलर आर्टरी मेल्स में एंड ओवेरियन आर्टरी फीमेल्स में, यूरेटरल ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल आयोटा। सो जो यूरेटरल ब्रांचेस हैं जो कि डायरेक्टली एब्डोमिनल आयोटा से निकल रही है उसके थ्रू एब्डोमिनल यूरेटर को आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड होती है। देन जो पेल्विक यूरेटर है, जो पेल्विक रीजन में यूरेटर पास हो रहा है उसको सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज के थ्रू आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड होती है। देन वेनस ड्रेनेज कैसी होती है, सो जो रीनल वेन्स है ड्रेन अपर यूरेटर, सो जो अपर यूरेटर्स हैं उसको रीनल वेन्स ड्रेन करती है वहाँ से, एंड वेसिकुलर एंड गोनेडल वेन्स ड्रेनिंग लोअर यूरेटर। सो जो लोअर यूरेटर्स हैं जो पेल्विक रीजन में यूरेटर है उसको वेसिकुलर एंड गोनेडल वेन्स ड्रेन करती हैं। देन नर्व सप्लाई किसके थ्रू होती है, रीनल टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के थ्रू नर्व सप्लाई प्रोवाइड होती है यूरेटर्स को। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.